जो संपन्न होने चाहिए। If you always talk poverty, अगर आप हमेशा गरीबी की ही बात करते हैं, and you always talk we don't have enough, we don't have enough, we don't have enough, you will never have enough even if you're a tither. देखिए अगर आपके मुंह से हमेशा यही बात निकलती है कि हमारे पास बस्ता नहीं है, हमारे पास बस्ता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त होता नहीं है, तो चाहे आप दशमांश देने वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो तो भी आपके पास कभी कुछ बचेगा नहीं। So your words are very important. तो आपके जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। So when you give your tithe, तो जब आप अपना दशमांश देते हैं, or when you sow your seeds, और जब अपने बीज को बोते हैं, control your mouth, और आप अपने मुंह के ऊपर नियंत्रण रखिए, speak prosperity, और आप हमेशा संपन्नता के शब्दों को बोलिए, don't speak poverty, और आप गरीबी के शब्दों को मत बोलिए, never speak lack, और कभी भी आप घटी को मत बोलिए, because if you do that then you will never experience harvest, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी कटनी को, अपनी कटनी का कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। So we are talking about prosperous mouth, तो हम बात कर रहे हैं वो संपन्न मुंह। Let's go to Proverbs 18:20, आइए हम नीति वचन के 18 के 20 को देखते हैं। A prosperous mouth, एक ऐसा मुंह जो अच्छी बातों को बोलता है, संपन्न बातों को बोलता है। A prosperous mouth, एक मुंह जो संपन्नता की बातों को बोलता है। Your mouth should be prosperous, और आपका मुंह संपन्नता की बातों से भरा हुआ होना चाहिए। Destroy poverty from your mouth, और आप अपने मुंह से उन गरीबी के शब्दों को सत्यानाश कर दीजिए। Destroy lack from your mouth, और आपने मुंह से जो घटी के शब्द है उसका नाश कर दीजिए। Now look at this, आप इस बात को देखिए। Man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips he shall be filled. मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल, बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। So increase begins with the mouth. तो जो बढ़ोतरी है वो उसकी शुरुआत आपके मुंह से ही होती है। Increase begins with the mouth. तो जो बढ़ोतरी की शुरुआत है वो आपके मुंह के शब्दों के द्वारा होती है। See, that's why it says in this verse that increase begins with what you say. और ये वचन ऐसा कहता है कि बढ़ोतरी वहीं से चालू होगी जहां पर आप उसके बारे में अपने मुंह से बोलने की शुरुआत करेंगे। So you can give all the money you have, तो चाहे जितना भी पैसा आपके पास हो आप सब कुछ क्यों ना बोले, and you never speak prosperity, और आप कभी भी संपन्नता के बारे में अपने मुंह से आपने बोला ही नहीं। By your own mouth you will block your harvest, और आपने अपने ही मुंह को इस्तेमाल करने के द्वारा आप अपने अपनी बढ़ोतरी को आपने रोक दिया। Okay, verse number 21, 21वां वचन, death and life are in the power of the tongue. They that love it shall eat the fruit thereof. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Now I can say it in a different way. मैं इससे दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ। Prosperity and poverty is in your mouth. देखिए संपन्नता और गरीबी आपके मुंह में है। You choose. आपको चुनाव करना है। If you say we never have enough, my family didn't have enough, my grandfathers didn't have enough, my parents didn't have enough, we also never had enough, I guarantee you, you will never have enough. अगर आप हमेशा इसी बात को लगातार बोलते रहेंगे कि हमारे पास कभी पर्याप्त होता नहीं है, हमारे जो माता पिता है उनके पास भी कभी पर्याप्त होता नहीं है, और हमारी पूरी पीढ़ी ऐसी है जिनके पास कभी पर्याप्त बचा नहीं है, अगर आपका बोलना ऐसा ही लगातार चलता रहेगा तो आपके पास सचमुच कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। Prosperity and poverty is in your mouth. देखिए संपन्नता और गरीबी वो भी आपके मुंह के शब्दों में ही है। So what do you want? तो आपको क्या चाहिए? आपको चुनाव करना है। Of course we do our giving part. देखिए हमें अपना देने के भाग को तो भली बात ही निभाना है। But what are the words that are coming out of your mouth? लेकिन उसके बावजूद आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कैसे शब्द हैं? Let's go to Genesis. आइए हम उत्पत्ति में जाएंगे। I just want to help you. One of my motives is to destroy poverty from our church. मेरा एक लक्ष्य ये है कि मैं हमारी कलीसिया के सदस्यों के जीवन से जो गरीबी है उसका नाश कर दूं। Some people are thinking, I'll always be poor. It's a choice. और कोई लोग अगर सोचते हैं कि मैं हमेशा ही गरीब रहूंगा तो वो आपका चुनाव है। आप चुनाव कर सकते हैं। Genesis 1:2. उत्पत्ति 1:2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। So there is darkness. देखिए वहाँ पे अंधकार है। It's all dark. और वहाँ पे पूरा अंधकार है। Verse number 3.
तीसरा वचन. Now look at God. अब परमेश्वर की ओर देखिए. God sees darkness and he says, "Let there be light." परमेश्वर वो अंधियारे को देख रहा है और देखने के बावजूद वो कहता है कि उजियाला हो और वहाँ पर उजियाला हो गया. He never said that it's very dark. और उसने कभी ऐसे नहीं कहा कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है. See people who are struggling financially. देखिए जो लोग आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं. If God was in your situation, what would he say? अगर परमेश्वर आप ही की परिस्थिति में होता तो उसके शब्द क्या होते और वो क्या बोलता? He never says darkness. He never talks about it. और वो कभी अंधकार बोलता ही नहीं. वो उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहता. He doesn't speak what he is seeing. He speaks what he want to see. वो कभी उन बातों को नहीं बोलता जिन्हें वो देखता है. वो हमेशा उन्हीं बातों को बोलता है जिन्हें वो देखना चाहता है. Yeah. He does not say what he sees. और वो जो देखता है उसे उसका वर्णन कभी वो करता नहीं ना उस बातों को बोलता है. He says what he want to see. और वो हमेशा उन्हीं बातों को बोलता है जिन्हें वो देखना चाहता है. Or what is he seeing? और जो वो देख रहा है. He sees darkness. और वो तो अंधकार ही वो देख रहा था. Struggle in money. और वो देख रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष है. But he says light be. और वो कहता है कि रोशनी हो जा. See, we are made in his image. देखिए हम उसकी स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं. But right in the midst of darkness, you have to talk about light. देखिए अंधकार के बीच में ही खड़े होकर आपको रोशनी को बोलना होगा, उसकी घोषणा करनी होगी. See, that's the challenge. और वही आपके लिए चुनौती का काम है. In the midst of darkness, you cannot see anything and you have to speak, light be. देखिए अंधकार के बीच में जहां आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है उसी के बीच में आपको बोलना है कि उजाला हो जा, जबकि वहां पर उजाला है नहीं. But notice you have to talk. लेकिन आप इस बात को गौर कीजिए कि आपको बोलना होगा. Some believers, कुछ विश्वासी, they see darkness, वो अंधकार को देखते हैं. And all they say is how dark it is, how dark it is, how dark it is, how dark it is. It is very dark, it is very dark, it is very dark. और कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो पहले अंधकार को देखते हैं और उसके बाद वो निष्कर्ष करते हैं कि देखो कितना अंधियारा है, कितना घोर अंधियारा है, ये तो पूरा ही अंधियारा है. और वो अंधियारे के विषय में ही बोलते रहते हैं. They will always talk about what they see. और वो हमेशा उन्हीं बातों के बारे में बोलते रहते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते हैं. That means you're not imitating God, you're imitating your neighbor. इसका मतलब है कि आप परमेश्वर का नकल नहीं कर रहे हैं, आप अपने पड़ोसी की नकल कर रहे हैं. Okay, I'm going to give you something to say. और मैं आपको कुछ ऐसी बातें दूंगा जिसको आप बोलने में उसका प्रयत्न कीजिए. और notice when the situation change. आपको मालूम है जब आपकी परिस्थिति बदलती है. When you begin to say. जब आप बोलने लगते हैं. God did not see light and then say light. परमेश्वर ने पहले रोशनी को देखा नहीं और उसके बाद रोशनी को बोला नहीं, मतलब देखने के बाद नहीं बोला. God said it and then he saw it. परमेश्वर ने पहले बोला और बोलने के बाद उसने रोशनी को देखा. So if you want to see a change in your finances, you have to say it first. अगर आपको आपके आर्थिक क्षेत्र में बदलाव देखना है तो बदलाव देखने के पहले आपको बोलने की शुरुआत करनी पड़ेगी, उसी के द्वारा वो बदलाव होगा. Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों 8:9. आठ का नौ. I want to give you some words so that you will start speaking. मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप बोलने की शुरुआत करने लगे. Last Sunday, आखिरी रविवार. When you hear about finances, faith comes. जब भी आप आर्थिक क्षेत्र के विषय में सुनते हैं वचन के द्वारा तो विश्वास आता है. But when you speak the word on finances, faith is released. लेकिन जब भी आप उसके वचन को बोलते हैं तो उसी के द्वारा विश्वास आजाद होता है. Now look at that verse. आइए हम उस वचन को देखते हैं. For all of you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that all of you through his poverty might be rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. So what is your confession? तो आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? Your confession is I am a rich man. और आपका अंगीकार होना चाहिए कि मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I'm a rich man.
मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. पास्टर आशीष इज अ रिच मैन. पास्टर आशीष एक धनी व्यक्ति है. एवरी बिलीवर इन दिस चर्च इज अ रिच पर्सन. हर एक विश्वासी जो इस कलीसिया में है वो एक धनी व्यक्ति है. नाउ व्हेन यू गो अराउंड सेइंग दैट आई एम अ रिच मैन, जब भी आप ऐसा लोगों को बोलते फिरेंगे कि आप धनी व्यक्ति हैं, पीपल विल आस्क यू व्हाई डू यू से दैट यू आर रिच, और लोग आपसे पूछेंगे क्यों आप अपने आप को धनी बताते फिरते हो. हाउ मच इज योर सैलरी, कितनी आपकी पगार है. व्हाट इज योर पोजीशन, आपका पद क्या है. हाउ मेनी एफडीज यू हैव, और कितने फिक्स्ड डिपॉजिट है आपके. व्हाई डू यू से यू आर रिच, और आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप धनी हैं. हाउ मच बैलेंस यू हैव इन योर सेविंग्स, और आपके बचत खाता में कितना पैसा पड़ा है. व्हाई आर यू रिच, क्यों आप धनी हैं. यू आर नॉट रिच बिकॉज ऑफ योर सेविंग्स. लिसन टू दिस केयरफुली, आप अपनी बचत करने के वजह से आप धनी नहीं हैं. यू आर नॉट रिच बिकॉज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू हैव. देखिए, आप उस वजह से भी धनी नहीं है कि किस प्रकार की नौकरी आप करते हैं. यू आर नॉट रिच बिकॉज ऑफ एनी पोजिशन यू होल्ड. देखिए, कोई भी आपका अगर बड़ा पद हो, उस पद के कारण आप धनी नहीं है. आई एम रिच because Jesus became poor for me. मैं धनी इसीलिए हूँ क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना. So it doesn't matter what your salary is. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पगार कितनी भी क्यों ना हो. It doesn't matter what kind of job you do. और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की नौकरी आप करते हो. I am not rich because of my salary. I am rich because Jesus became poor for me. मैं इसीलिए धनी नहीं हूँ क्योंकि मेरी पगार बहुत अच्छी है. मैं इसीलिए धनी हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे धनी बनाया, वो मेरे लिए कंगाल बना. So that's my confession. तो यही मेरा अंगीकार होना चाहिए. See, sometimes we think when my saving comes to 5 lakhs. Then I will say I am rich. कभी-कभी आप सोचेंगे कि अगर मेरा बचत खाता 5 लाख तक जाएगा, उसके बाद ही मैं धनी हो जाऊंगा. If my salary becomes 10 lakhs, then I will say I am rich. अगर मेरी पगार 10 लाख तक पहुंच जाएगी, तो उसके बाद ही मैं ये कह सकता हूं कि मैं धनी हूं. It's not based on your salary. ये आपकी पगार के ऊपर निर्भर नहीं करता. It's not based on your job. और वो आपके नौकरी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता. I am rich because Jesus became poor. मैं इसीलिए धनी हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना. So I begin to say I cannot be poor. तो मैं ऐसे इसको बोलना शुरू करूंगा कि मैं कभी गरीब हो नहीं सकता. I'm a rich man. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I'm very rich. और मैं बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति हूँ. My salary can be 500 rupees. शायद मेरी पगार 500 रुपए ही क्यों ना हो. But I am not rich or poor because of my salary. I am rich because Jesus became poor for me. देखिए, मैं धनी या कंगाल अपनी पगार के वजह से नहीं हूँ. मैं धनी इसीलिए हूँ क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना. So I go around saying I'm a rich man. तो मैं हर जगह ये कहते फिरता हूँ कि मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I'm a rich man. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I'm a rich person. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. See, in the midst of the darkness, you have to speak the word. I'm a rich man. आपको अंधकार के बीच में एक धनी व्यक्ति के समान इस शब्द की घोषणा करनी होगी. Many believers see themselves as so poor. और देखिए, बहुत सारे विश्वासी अपने आप को ऐसी गरीब स्थिति में देखते हैं. You know why they see themselves poor? आपको मालूम है वो अपने आप को इतनी गरीब स्थिति में क्यों देखते हैं? Because their eyes is not on the word, their eyes is on the salary. क्योंकि उनकी आंखें उनकी पगार के ऊपर है और उनकी आंखें परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं लगी है. Their eyes is not on this verse, their eyes is in their position in the company. और उनकी आंखें इस वचन के ऊपर नहीं लगी है, लेकिन उनका जो पद उनकी कंपनी में है, उनकी आंखें अपने पद के ऊपर लगी हुई है. No. Based on this verse, I say I'm a rich man. और इसी वचन के आधार के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I'm a rich person. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I cannot be poor. और मैं कभी गरीब हो नहीं सकता. Why are you rich? क्यों हम धनी हैं? Because Jesus became poor for me. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना. This chapter entirely is talking about money. और ये जो पूरा अध्याय है, ये सिर्फ पैसे के विषय में ही बात करता है. So don't let anybody tell you that it is spiritual rich. और कोई आपको इस बात में धोखा न देने पाए कि ये सिर्फ आत्मिक संपन्नता के विषय में लिखा हुआ है. It's talking about spiritual rich. और ये सिर्फ आत्मिक संपन्नता के बारे में लिखा हुआ है. If you read that, it's talking about finances. अगर आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये आर्थिक क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है. Let's go to Psalms 23:1. I'm trying to change your words. और मैं आपके शब्दों को बदलना चाहता हूँ और उसका ही प्रयत्न कर रहा हूँ. आइए हम भजन संहिता 23 को देखते हैं. How can I be rich? कैसे मैं धनी हो सकता हूँ? My salary is so less. मेरा पगार तो बहुत कम है. My education is nothing. और मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कुछ भी नहीं है. Your faith is in your salary, not in Jesus. देखिए, आपका जो विश्वास है वो आपकी पगार के ऊपर है, लेकिन वो यीशु मसीह के ऊपर नहीं है. That's the problem. और वहीं पर आपकी समस्या आपकी. How can I be rich? My salary is only 5,000. मेरी पगार सिर्फ 5,000 है. इस 5,000 पगार के साथ मैं धनी कैसे हो सकता हूँ? See, that's the problem. Your faith is in your salary, not in Jesus becoming poor for you. देखिए, आपका जो विश्वास है वो पूरी तरह से आपकी पगार के ऊपर ही निर्भर है, लेकिन उस यीशु मसीह के ऊपर नहीं है जो आपके लिए कंगाल बना. Now from this day onwards, आज के दिन से लेकर,
You begin to say out of your mouth, I'm a rich man. और आप अपने मुंह से इस बात को बोलने लगे कि आप एक धनी व्यक्ति हैं. I'm a rich man. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I'm very rich. और मैं बहुत ज़्यादा धनी हूँ. I'm a rich man. मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ. I will never talk poverty out of my mouth. और मैं मेरे मुंह से कभी भी गरीबी की बातें या गरीबी का शब्द नहीं निकालूंगा. It doesn't matter who says it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता हो. I will not say it. मैं नहीं बोलूंगा. Why? क्यों? What's your salary? Doesn't matter. जो आपकी पगार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. What's your education? आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हो? It doesn't matter. उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. What position you have? चाहे आपका कोई भी पद क्यों ना हो. It doesn't matter. उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. My salary is 500. अगर मेरी पगार 500 रुपए हो. My job is cleaning this room. अगर मेरा काम यह हो कि मैं जिस सिर्फ कमरे की साफ सफाई करनी हो. But I'm a believer. लेकिन मैं एक विश्वासी हूँ. And because I'm a believer, I am as rich as Jesus. और क्योंकि मैं विश्वासी होने की वजह से मैं उतना ही धनी हूँ जितना धनी यीशु मसीह है. And I begin to say that out of my mouth. और मैं इस बात को अपने मुंह से बोलने लगूंगा. I'm a rich man. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I'm a rich person. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. Don't let your bank account decide whether you're rich or poor. आपके बचत खाते को ये तय करने मत दें कि आप धनी हैं या गरीब हैं. You know, some people are waiting. First, show me, then I will say it. और कुछ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं. पहले तो मैं देखूंगा, देखने के बाद ही बोलूंगा. First, you have to say it, then you will see it. लेकिन पहले आपको बोलना होगा, बोलने के बाद ही आप उन चीजों को देख पाएंगे. So from today onwards, you begin to say out of your mouth, I'm a rich person. आज के दिन से आप इन बातों को अपने मुंह से बोलने लगे कि आप एक धनी व्यक्ति हैं. I'm a rich person. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. I'm very rich. और मैं बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति हूँ. I'm a rich man. और मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. A salary didn't come from 10 days. I'm a rich man. अगर आपकी पगार 10 दिन तक नहीं आई तो भी आप बोलिए कि आप धनी व्यक्ति हैं. Because it's not based on your salary, it's based on what. See, where is your faith? Your faith is in your salary or your faith is in what Jesus has done. देखिए आपका विश्वास दिखाता है कि वो किस पर है. वो अगर पगार पर है तो आप ऐसी बातें बोलेंगे, लेकिन अगर वो यीशु मसीह पर है, आपका विश्वास यीशु मसीह पर ही होना चाहिए. Right, now look at this verse. आइए इस वचन को देखते हैं. I'll take 5 more minutes and we'll close. और हम लोग 5 मिनट और लेंगे फिर समाप्त करेंगे. The Lord is my shepherd, I shall not lack. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. Why will you not lack? क्यों आपको घटी ना होगी? Because you have 3 FDs in ICICI bank. क्या इसीलिए घटी नहीं होगी क्योंकि आपके 3 फिक्स्ड डिपॉजिट ICICI बैंक में पड़े हैं? See, why won't you lack? क्यों आपको घटी नहीं होगी? द लॉर्ड इज माय शेपर्ड. क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा. द लॉर्ड इज माय शेपर्ड. क्योंकि प्रभु आपका चरवाहा. सो आई बिगिन टू से आई विल नेवर लैक इन माय लाइफ. तो मैं ऐसा बोलने की शुरुआत करता हूँ कि मेरे जीवन में मुझे कभी भी कोई घटी ना होगी. सी सम पीपल आर थिंकिंग यू वोंट लैक इफ यू हैव अ गुड सैलरी. दैट्स रॉन्ग. देखिए कुछ लोगों का ऐसी सोच है कि अगर आपका एक अच्छा पगार हो तो उस पगार के वजह से आपको कभी कुछ घटी ना होगी. नो, यू विल नॉट लैक बिकॉज ऑफ द लॉर्ड हु इज योर शेपर्ड. कारण ये है क्योंकि आपको कभी घटी नहीं होगी क्योंकि यीशु मसीह आपका चरवाहा है. इट इज टाइम एज बिलीवर्स दैट वी टेक आवर फेथ ऑफ ऑफ आवर सैलरी एंड पुट इट ऑन जीसस. और ये ऐसा समय आ गया है कि हम विश्वासी लोग अपना जो विश्वास है अपनी पगार के ऊपर से हटाकर यीशु मसीह के ऊपर रखें. Yeah, it's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. If you want to grow financially, you have to take your faith and place it on Jesus. Otherwise, you can't. अगर आपको आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि चाहिए तो आपको अपना विश्वास पगार पे से उठा के यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करना होगा. So two confession I told you. तो दो अंगीकार मैंने आपको बताए. I am rich, I cannot lack. कि मैं एक धनी हूँ और मुझे कभी कुछ घटी नहीं हो सकती. I'm a rich man. और मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. And I cannot lack. और मुझे कभी कोई घटी ना होगी. Say it out of your mouth. और आपको इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करना होगा. I'm a rich man. मैं एक धनी व्यक्ति हूँ. And I cannot lack. और मुझे कभी कुछ घटी ना yeah. होगी. Now let's go to verse number 5. आइए हम वचन 5 पे जाते हैं. I'm just giving you words to say. और मैं आपको सिर्फ कुछ वचन दे रहा हूँ जिसके द्वारा आप इन बातों को बोलने लगे. You, the Lord prepares a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. So I say, I always live in the overflow. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है
तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है इसी वजह से मैं हमेशा कहूंगा कि मैं हमेशा उमड़ते हुए जीवन में जीऊंगा why do you live in overflow क्यों आप उमड़ते हुए जीवन में जिएंगे because the lord is my shepherd क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है see my faith is in the lord it's not in my salary देखिए मेरा जो विश्वास है वो मेरे प्रभु पर है जो मेरा चरवाहा है और वो पगार के ऊपर नहीं है my faith is not in my savings my faith is not in my parents my faith is not in anybody else my faith I will live in overflow because my faith is in the Lord who is my shepherd. देखिए मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर है मेरा विश्वास मेरी पगार पे नहीं है मेरे माता पिता पे नहीं है या किसी और व्यक्ति पे नहीं है या किसी पर भी निर्भर नहीं है लेकिन मेरा विश्वास मेरे प्रभु पे है और उसी के वजह से मुझे कभी कुछ घटी ना होगी People may leave you. देखिए लोग शायद आपको छोड़ के चले जाएंगे Your shepherd will never leave you. लेकिन आपका चरवाहा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा Therefore your prosperity is guaranteed. इसके लिए आपकी जो संपन्नता है उसकी पूरी गारंटी है See, that's why Your prosperity is guaranteed because it's not based on people, it's not based on jobs, it's based on God. देखिए आपकी संपन्नता की पूरी तरह से गारंटी है क्योंकि वो पगार के ऊपर निर्भर नहीं है, आपके पद के ऊपर निर्भर नहीं है, वो प्रभु के ऊपर निर्भर है. I live in the overflow. और मैं हमेशा उमड़ते हुए जीवन में जीऊंगा. Overflow of finances. और मेरे पास जो आर्थिक क्षेत्र में उमड़ता हुआ फाइनेंस होगा. I don't know where the money comes from, but always money. मैं ये नहीं जानता कि वो पैसा कहाँ से आएगा लेकिन मुझे सिर्फ एक बात मालूम है कि पैसा मेरे पास जरूर आएगा एंड डोंट लिमिट गॉड बाय सेइंग दैट ओनली द मनी कैन कम फ्रॉम योर बॉस डोंट लिमिट गॉड ही हैज अ मिलियन वेज टू गेट मनी टू यू और आप परमेश्वर को ये बोल के सीमित मत कीजिए कि आपका जो पैसा है वो आपके बॉस या आपके मालिक की तरफ से ही आएगा लेकिन परमेश्वर के पास हजारों लाखों रास्ते हैं आप तक पैसा पहुंचाने के लिए इसीलिए आप उसी के ऊपर भरोसा रखिए आई नेवर लैक मुझे कभी घटी नहीं होगी आई लिव इन दी ओवरफ्लो और मैं हमेशा उमड़ते हुए मैं जीऊंगा एंड आई एम अ रिच मैन और मैं एक धनी व्यक्ति हूँ फाइनल वर्स फिलिपींस 4:19 आइए हम आखिरी वचन देखें फिलिपियों 4:19 आई एम जस्ट गिविंग यू वर्ड्स टू से और मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूँ जिसके द्वारा आप बोलने की शुरुआत कर सके एंड यू बिगिन टू से इट एंड यू विल सी सम थिंग्स इन योर लाइफ जैसे आप इसे बोलने की शुरुआत करेंगे इसके द्वारा आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे या यू विल सी इट और आप इसे देखेंगे बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस और मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा हाउ मेनी नीड्स कितनी जरूरतों को All your needs. आपकी सारी जरूरतों को So what do? तो आप क्या करेंगे You start saying it out of your mouth. और आपको इन वचनों को अपने मुंह से बोलने की शुरुआत करनी होगी You begin to say that I'm a rich man. और आप इस बात को बोलने की शुरुआत कर दीजिए कि आप एक धनी व्यक्ति हैं I cannot lack. और आपको कभी कोई घटी ना होगी I live in the overflow. और मैं हमेशा उमड़ते हुए मैं जीऊंगा And my God supplies all of my needs according to His bank account. और मेरा परमेश्वर अपने धन के उस महिमा के अनुसार मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा There was a time एक ऐसा समय था when you had faith in your salary. जब आपका विश्वास आपकी पगार के ऊपर था There was a time एक ऐसा समय भी था when you had faith in your parents. कि आपका जो विश्वास है अपने माता पिता के ऊपर निर्भर था और there may be time that you have too much faith in your own ability. और ऐसा भी एक समय था कि आपका विश्वास आपकी खुद की काबिलियत के ऊपर था और maybe you have faith too much faith in your savings. और आपका जो विश्वास था वो आपके बचत खाते के ऊपर बहुत ज्यादा था Change all that. देखिए आप इन सबको बदल दीजिए टेक योर फेथ फ्रॉम people aur logo ke upar se apne vishwas ko utha lijiye people change like this kyunki log ek kshan mein badal jate hain morning there something evening are और देखिए सवेरे वो कुछ और प्रकार के लोग हैं और शाम को वो कुछ और प्रकार के लोग हैं टेक योर फेथ अवे फ्रॉम पीपल और आप अपने विश्वास को लोगों के ऊपर से उठा लीजिए कीप इट ऑन समवन हु नेवर चेंजेस और आप अपने विश्वास को ऐसे पर रखिए जो कभी नहीं बदलता नाउ वी आर गोइंग टू से दिस विद मी और अभी हम इस बातों को अंगीकार करेंगे आप मेरे पीछे बोलिए जीसस बिकेम पुअर देयरफॉर आई एम रिच यीशु मसीह कंगाल बना इसीलिए मैं धनी हूं नाउ से दिस आई एम रिच आई कैन नॉट लैक आई लिव इन द ओवरफ्लो एंड माय गॉड सप्लाइज ऑल ऑफ माय नीड
according to his riches in glory by Christ Jesus. मेरे साथ बोलिए यहोवा मेरा चरवा है मैं धनी हूँ कमी घटी मेरे जीवन में नहीं मैं हमेशा बहुतायत में जीता हूँ और मेरा परमेश्वर मेरे हर एक घटी को पूरा करेगा मेरा विश्वास मेरे चरवाह पर है और वो मुझे संभालेगा यीशु के नाम से आमेन आमेन सी यू बिगिन टू से इट आउट ऑफ योर माउथ आई विल नेवर लैक देखिए आपको इस बात को अपने मुंह से बोलने की शुरुआत करनी होगी कि मुझे कभी घटी नहीं होगी यू सी दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए अगर आप वो बिजली के बिल को देखते हैं एंड यू सी दैट अगर आप उसकी ओर देखते हैं एंड यू लुक सी दैट बिल इज एक्चुअली टॉकिंग टू यू देखिए वो जो बिल है वो आपसे बातें कर रहा है राइट बराबर है some bill talk very loudly देखिए कुछ बिल है जो बहुत जोर से बात करते हैं like some people they talk and they just throw it on somebody देखिए वो इतना जोर से बात कर रहा है कि ऐसा लगता है किसी के ऊपर उठा के डाल दे talk back to the bill देखिए आपको बिल को प्रतिउत्तर देना होगा उससे फिर से आपको बात करनी होगी you look at that see sometimes when the bill comes you're seeing how much salary is there who will give it because your faith is on other people but when you look at that bill you say my god will supply all my needs you begin to say देखिए जब कभी बिल आता है तब हम तुरंत ही कैलकुलेट करने लगते हैं हम अपनी पगार की ओर देखते हैं हम अपने बचत खाते की ओर देखते हैं कि हम किससे भरेंगे इससे दिखाता है कि हमारा विश्वास पूरा उसी के ऊपर निर्भर है लेकिन अगली बार जब आप बिल को देखें तो आप बिल से बोले कि परमेश्वर मेरी सारी घटी को पूरा करेगा और हर एक बिल का भुगतान परमेश्वर की ओर से होगा इट्स नॉट इनफ टू थाय देखिए दशमांश देना काफी नहीं है इट्स नॉट इनफ वो काफी नहीं है इट्स नॉट इनफ टू सो सीड्स और इतना भी पर्याप्त नहीं है कि आप बीज भी बोए यू कैन गिव सीड्स एवरी संडे देखिए आप हर रविवार को बीज बो सकते हैं लगातार एवरी फर्स्ट डे यू कैन गिव योर टाइथ फर्स्ट नंबर टाइम देखिए सबसे सर्वप्रथम आप ही वो व्यक्ति हो सकते हैं जो पहली बार ही आके अपने दशमांश को दें इफ यू डोंट हैव अ प्रॉस्परस माउथ लेकिन अगर आपका मुंह संपन्नता की बातें नहीं बोलता यू कैन नॉट एंजॉय प्रॉस्पेरिटी तो आप संपन्नता का कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे आई एम रिच मैं धनी हूँ आई कैन नेवर लैक और मुझे कभी कुछ घटी नहीं होगी आई ऑलवेज लिव इन ओवरफ्लो और मैं हमेशा उमड़ते हुए मैं जीता हूँ एंड माय गॉड टेक्स केयर ऑफ मी और मेरा परमेश्वर मेरी देखभाल करता है आमेन आमेन ब्रदर भरत प्लीज